बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के हमने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, दो फार्मूला, एक पॉजिटिव और नेगेटिव फार्मूला अप्लाई होगा। तो डी स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चले जी, हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले मैं ये फार्मूला आपको जो है ये आपने पीछे पढ़ा है फार्मूला, ये फार्मूला है, फार्मूलाज लिख लेते हैं। पहला फार्मूला ये है कि a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला आपने, मैंने पहले जब चैप्टर शुरू करने से चैप्टर नंबर 4 जो है तमाम फार्मूले लिखा दिए थे, आपको ये याद होंगे। ए, अब ये माइनस में फार्मूला, वही फार्मूला लेकिन अब ये माइनस में है। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब और ये माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये प्लस वाला फार्मूला है, सारा प्लस का साइन होगा, ये माइनस फार्मूला है, सारा माइनस में साइन होगा। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। देखें, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं फार्मूला बनाने के लिए। ये फार्मूला जो है वो बनाने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा। देखें, पहले डी स्टूडेंट, इसमें एक्स क्यूब माइनस 64 को पहले लिख लें, माइनस 64 आप समझते जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 48x। अब क्या करना है जी, अब आगे देखें जी, ये एक्स क्यूब माइनस 64, अब ये माइनस 12x कॉमन ले लें इससे, 12x, ये माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा जी इसमें। 12x जो है वो इसमें भी x है, इसमें भी x है, 12x कॉमन ले लेंगे, 12x 12 निकल आएगा और एक x निकल आएगा, एक x बाकी रह जाएगा और बार माइनस है, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 12 4 12 48 4 आ जाएगा और x बार निकल आएगा और ये बच जाएगा जी। अब मैंने फार्मूला, माइनस वाला फार्मूला ये अप्लाई फार्मूला होगा, ये मैं फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। देखें, ये क्या है, x इसका क्यूब, जैसे ये फर्स्ट रकम का क्यूब है, माइनस सेकंड रकम का क्यूब, ये 4 इसका क्यूब कर लें, 4 4 बार 16 16 4 बार 64, ये क्यूब आ जाएगा और ये माइनस 3 और पहला फार्मूला, पहला फार्मूले का 3, ये फार्मूले का 3 लगाया है और इसके पहली रकम लिखेंगे x और दूसरी रकम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब ये जैसे पहली रकम जो है बगैर क्यूब के a और बगैर क्यूब के b, फिर ब्रैकेट में बगैर क्यूब के लिखना है a माइनस बी, इसी तरह बगैर क्यूब के लिखेंगे x माइनस फोर। आप देखें ऊपर वाली रकम बन रही है या नहीं बन रही, x क्यूब जो है x की पावर 3, 4 की पावर 3 64 आ जाएगा, 4 3 बार 12 12x आ जाएगा और x माइनस फोर, ये ऊपर वाली रकम बिल्कुल बन गई और फार्मूला भी अप्लाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका आएगा, x माइनस फोर इसका क्यूब, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। डी स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से मैंने 12x कॉमन लिया और फार्मूला बन गया, और ये किसका फार्मूला बन गया, x माइनस फोर इसका क्यूब, ये पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट रकम इंटू सेकेंड रकम और बगैर क्यूब के ये हमने लिख दिया। तो ये डी स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, माइनस वाला फार्मूला लग गया, ये फार्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ, ये फार्मूला। अब आगे इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी, इसका 8x क्यूब
प्लस 60 एक्स स्क्वायर और प्लस 150 एक्स प्लस 125। अब यहाँ से भी इसी तरह अरेंज करना है जिस तरह ये प्लस वाला फार, सारी प्लस की साइन है तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। जो चेक कर लेते हैं, ये 8x³ पहले लिखना है और ये 125 को इसमें लिखें 125। और डियर स्टूडेंट यहाँ याद रखना है एक्स केयर वाली पहले रकम लिखनी है, ये क्यूब बन जाएंगे और एक्स वाली 60x जो है वो स्केयर आ जाएगा और ये प्लस 150 जो है ये एक्स, ये हमने थोड़ा सा रेंज किया इसको, इसमें अलजबरी का एक्सप्रेशन को हमने रेंज कर दिया है। अब कैसे जी, एक और स्टेप आगे करेंगे, 8x³ प्लस 125 और प्लस इसमें ये देखें जी 30x कामन आ जाएगा, 30x कामन आ जाएगा और 3 × 2 = 60 आता है। ये 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60, एक तो 2 आ जाएगा और ये 1x² है, 1x बार निकल आएगा, 2x रह जाएगा और ये प्लस अब 3 × 5 = 5, 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आता है, 5 1x बार निकल आएगा, बाकी 5 रह जाएगा। ये आपका अब हम इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, ये फार्मूला बन जाएगा प्लस वाला। आप देखिए ए क्यूब इसका ये क्या है, 2x इसका क्यूब बन जाएगा प्लस 125 के इसका क्यूब बन जाएगा 5 का क्यूब, आगे प्लस 3 फार्मूले का लगा लें, ये 3 फार्मूले का पहली रकम और दूसरी रकम, ये जो बगैर क्यूब के पहली रकम क्या है जी, ये 2x आ जाएगा और दूसरी रकम क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगा। फिर आगे देखें जी, बगैर क्यूब के ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो बगैर क्यूब के ब्रैकेट में लिख दें 2x + 5। आप देखें ऊपर वाली रकम बन रही है वही, ये देखें 2x इसका क्यूब 8x³ आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 और 3 × 2 = 6 × 5 = 30x बन गया बिल्कुल। आगे 2x + 5 बिल्कुल उसी तरह लिखा है तो ये किसका क्यूब बन जाएगा, ये 2x + 5 जो है ये इसका क्यूब बन गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा फार्मूले आने चाहिए, फार्मूले जो है मैंने लिखे हैं इसी तरतीब से, फार्मूले जो है वो आप अच्छी तरह याद कर लें। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लें। अगला पार्ट करते हैं जी, थर्ड पार्ट है x³ माइनस 18x² प्लस 108x माइनस 216। अब देखें जी कौन सा फार्मूला लगेगा, हम पहले चेक कर लेते हैं। ये देखें x³ और ये इसका भी क्यूब 6 का क्यूब बन जाएगा, पहले इसको आप जो है वो इकट्ठा लिख लें, x³ और माइनस 216 और स्केयर वाला बाद में लिखना है, ये पहले स्केयर वाला एक्स स्केयर वाला फिर बगैर एक्स के, तो माइनस 18x² प्लस 108x। अब देखें जी ये, अब हम जो है एक स्टेप आगे करेंगे, x³ माइनस 216 216 और माइनस इसमें 18x कामन का निकाल लें जी, 18x कामन का लें, 18 भी निकल आएगा, ए एक्स स्केयर है, 1x निकल आएगा, 1x बच जाएगा और ये बार माइनस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 16 × 6 = 108 16 × 6 और ये x बार निकल आएगा और ये 6 ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हम फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं जी, ये x इसका क्यूब माइनस 6 इसका क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, पहली रकम ये x और दूसरी रकम क्या है 6 और फिर बगैर क्यूब के आगे ब्रैकेट में लिखना है तो एक्स माइनस 6, ये फार्मूला ये माइनस वाला फार्मूला ये अप्लाई होगा जी, फार्मूला ये चीज़ है, इसका राइट हैंड साइड बना हुआ है जी, ये राइट हैंड साइड देखें
पाई रकम का क्यूब, ये एक्स का क्यूब, ये माइनस सेकंड जो है वो एलिमेंट है इसका क्यूब, ये सिक्स का क्यूब माइनस, और ये माइनस थ्री फार्मूले का पाई रकम इंटू दूसरी रकम बगैर क्यूब के, थ्री फार्मूले का पाई रकम और दूसरी रकम बगैर क्यूब के, फिर ब्रैकेट में ए जो है पाई रकम माइनस दूसरी रकम, सब में माइनस आएगा। तो देखें बगैर क्यूब के पाई रकम और ये माइनस दूसरी रकम, ये परफेक्ट जो है वो इसका क्यूब बन गया है। तो ये किसका क्यूब बन गया है, ये एक्स माइनस सिक्स इसका क्यूब, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा इसका राइट हैंड साइड हमने लिख दिया फार्मूले का। तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं जी, फोर्थ पार्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या है जी, एट एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हम देखते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं, रकम जो है वो बिल्कुल ठीक लिखी है। अब यहाँ से देखें जी, इसको हल करते हैं जी, ये 8x क्यूब और ये माइनस 125, ये इसका क्यूब बन जाएगा। इसको इसी तरह रहने दें, इसको बिल्कुल अरेंज पहले ही रकम है, तरतीब सही है। अब देखें जी माइनस 30 इसमें कॉमन ले लें, 30x भी कॉमन आ जाएगा और y भी कॉमन आ जाएगा, 30 इसमें कॉमन आएगा और एक x, ये भी x आ रहा है, y ये भी y आ रहा है, तो स्मॉल पावर कॉमन होता है, x y कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक x बार निकल आएगा, एक x रह जाएगा, y निकल आएगा बार, और बार ये देखें माइनस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 5 बार 15 5 जो है एक x x निकल आएगा बार, और y स्क्वायर है, एक y निकल आएगा और एक y रह जाएगा। ये इसका कॉमन हमने ले लिया, 30xy कॉमन लेंगे, बार माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें जी ये किसका क्यूब बन रहा है, 2x इसका क्यूब माइनस ये किसका क्यूब बन रहा है, 5y इसका क्यूब। अब ये माइनस वाला फार्मूला डियर स्टूडेंट, ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, माइनस 3 फार्मूले का पहली रकम जो है ये 2x और दूसरी रकम क्या है, 5y, और आगे बगैर क्यूब के आके ब्रैकेट में लिखना है, बगैर क्यूब के 2x माइनस 5y। तो डियर स्टूडेंट ये देखें ऊपर वाली रकम बन रही है या नहीं, 2x क्यूब जो है 8x क्यूब बन जाएगा, 5y का क्यूब 125 क्यूब बन जाएगा, 3 2 बार 6 6 5 बार 30, 30xy और ये आगे रकम बिल्कुल सेम है। तो ये इसका मतलब है, ये इसका परफेक्ट क्यूब बन गया है, ये क्या क्यूब बन गया, 2x माइनस 5y इसका क्यूब। वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ये इसका क्यूब है और ये इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट जो है अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो और अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।